हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की। तो शो में दिखाया जाएगा कि नैनतारा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रही होती है और कंप्लेन कर रही होती है कि आखिर वो सम्राट के घर चौधरी मेंशन आए ही क्यों। मीनवाइल मानसी राघव अब चलाती है और कहती है कि छोड़ने से पहले मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया कैसे, वो भी शादी वाले दिन। और फिर वो सम्राट के साथ में राघव को कंपेयर करना शुरू करती है और कहती है तुमसे लाख गुना बेहतर तो सम्राट था। मानसी सम्राट को चीट करने के लिए रिग्रेट करती है कि मैंने तुम्हारे लिए उसको चीट किया, जबकि ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मालती यहाँ पर ईशानी को समझा रही होती है और उसे हक करती है। मोहित तभी वहाँ आता है और मालती को भी कंसोल करता है और बोलता है कि जो भी कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ, बट ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। आलिया सारी फैमिली को दूर से देख रही होती है कि कैसे सब एक बार फिर से एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, इनका रीयूनियन चल रहा है। और बैकग्राउंड में वो ये सोचती है कि बस चाहे जो हो जाए, मोहित ईशानी को छोड़ दे ताकि फिर वो मेरे पास आ जाए। और यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग एपिसोड में। मीनवाइल इधर दिखाया जाएगा कि नैनतारा और सम्राट दोनों प्रेम को मिलने जाते हैं, जो कि उनका बहुत देर से वेट कर रहा होता है। प्रेम यह नैनतारा से कहता है कि आप कहाँ थी पूरे दिन पूरी रात, मैंने आपको कितना मिस किया। नैनतारा यहाँ कंफर्ट करवाती है प्रेम को ये कहकर के कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए रुकना पड़ा था बच्चा, बट आई एम सॉरी। बाद में यहाँ पर प्रेम को सुलाने के बाद नैनतारा और सम्राट यहाँ पर प्लान करते हुए नजर आएंगे कि अब आगे राघव को कैसे पकड़ना है रंगे हाथों, क्योंकि उसने जो कुछ किया है ईशानी के साथ उसमें डेफिनेटली ईशानी का कंसेंट नहीं था। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि राघव को पकड़ने की जो प्लानिंग कर रहे हैं कितनी सक्सेसफुल हो पाती है और क्या राघव के खिलाफ इन्हें कोई सबूत मिल पाता भी है या नहीं। ऐसे एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.